न्यूज़ तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप पसंद करते हैं। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में एक कोरोना का वेरिएंट रिपोर्ट किया जाता है। 26 नवंबर को WHO इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख देता है। नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का हल्ला इस समय इतना ज़्यादा तेज है कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का एक तरह से डर बन गया है। भारत में भी इसको लेकर डर बन गया है। क्यों डर बना है? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट से 6 से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक है, यानी कि इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। जो कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभावी वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अब इसमें रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल में देखें तो दक्षिण अफ्रीका में बीते एक हफ्ते में 200% से ज़्यादा केसेस डेवलप हुए हैं, किसके? ओमिक्रॉन के। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भारत में क्या स्थिति है ओमिक्रॉन की? अभी तक तो कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों की गहन जांच हो रही है जो लोग विदेश से आए और उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो उनका स्ट्रेन चेक किया जा रहा है कि कौन सा स्ट्रेन है, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। ज़्यादातर लोगों में डेल्टा पाया गया है, लेकिन जाँच अभी लगातार चल रही है। अब इसमें एक सवाल आ जाता है कि क्या तीसरी लहर ओमिक्रॉन से आएगी? क्यों? क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट था जिसने दूसरी लहर में भारत की स्थिति को ख़राब कर दिया था। अप्रैल मई का महीना इस साल का हमने देखा किस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने पूरे देश में हाहाकार मचाया। क्या देश में ओमिक्रॉन तीसरी लहर का कारण बन सकता है? तो इसके लिए एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि पहली वजह जो है वो है 6 से 7 गुना ज़्यादा डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक, इन्फेक्शियस होना। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये वैक्सीन को चकमा देगा या नहीं, इस पर अभी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि इसको लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि री इन्फेक्शन में ये तेज़ी बरतता है, यानी कि जिनको कोरोना हो चुका है, जिनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं, उनको भी ये हो सकता है। ये 3 बड़ी वजह हैं जिसमें ये तीसरी लहर की वजह बन सकता है। भारत में 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, एलिजिबल का भी नहीं हुआ है, और नॉन एलिजिबल के लिए तो अभी तैयारी नहीं हुई है, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनके लिए तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा है, और जिनको वैक्सीनेशन हो रहा है उनमें 100% नहीं हुआ है। तो 100% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि भारत में 100% लोग संक्रमित भी नहीं हुए हैं, यानी कि 100% लोगों में एंटीबॉडी तैयार नहीं हुई है। ऐसे में नए स्ट्रेन का खतरा भारत के लोगों में भी तेजी से हो सकता है। इस स्ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि 2 तरीके अपनाए जाएं। सबसे पहले जीनोम सिक्वेंसिंग की जाए, और इसके साथ साथ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सर्विलांसिंग की जाए, स्क्रीनिंग की जाए, बजाय उनको रोकने के लिए ये चीज़ें की जाएं, जीनोम सिक्वेंसिंग और सर्विलांसिंग और स्क्रीनिंग। इसके साथ ही अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि ये कितना खतरनाक होगा, कितना ज़्यादा गंभीर स्थिति में लेकर आ जाएगा, इसको जानने के लिए ओमिक्रॉन का 2 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन करना होगा। 2 हफ्ते का वक्त लगेगा जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये कितना ज़्यादा गंभीर कर देगा पूरी स्थिति को। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के साथ साथ जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी साफ तौर पर नेक सलाह ये है कि इसको बढ़ावा देने से पहले, इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो है वैक्सीनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जहाँ होगा वहाँ पर कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। हाँ, कारगर हो सकता है, लेकिन गंभीर स्थिति में नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि वैक्सीनेशन ही अकेला रास्ता है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के साथ साथ अन्य जो साइंटिस्ट हैं उनका भी साफ तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर ही जोर है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है तो दूसरी डोज अपना अंतराल पूरा होने के बाद ज़रूर लगवाएं, और अगर आपने अभी तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो ज़रूर अपनी पहली डोज लें। इसके साथ साथ जो फॉलो अप्स हैं, जो थंब रूल्स हैं, वैक्सीन के अलावा जो कोरोना से बचने के थंब रूल्स हैं जिनको हम बीते 2 साल से अपना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, इनका पालन ज़रूर करें।